नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हिंसा और तनाव की स्थिति बनी हुई है और अशांत बांग्लादेश को लेकर के अब बिहार में भी बिहार पुलिस अलर्ट पे आ गई है। जी हां, बिहार पुलिस भी बांग्लादेश की मौजूदा अराजक स्थिति को देखते हुए बिहार में अलर्ट पर है और पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। इसे लेकर के आज यानी कि मंगलवार को ही बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक विशेष निर्देश भी जारी किया गया है और इसमें जो बिहार के तमाम जिले हैं और खास करके जो बिहार के सीमाई जिले हैं उन सीमाई जिलों को लेकर के विशेष निर्देश जारी किया गया है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो आज एक विशेष निर्देश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता को लेकर के ये विशेष आदेश है। इसमें पश्चिम बंगाल से लगती हुई बिहार की सीमा में जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया है और आम लोगों को अपनी सूचना स्थानीय थाना, संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक अथवा टोल फ्री नंबर 14432 या डायल 112 पर दे सकते हैं। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने लोगों से यह भी कहा है कि आप किसी भी तरीके के अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल पुलिस की ओर से जो जानकारी दी जाती है उस पर ही भरोसा करें। साथ ही साथ बिहार पुलिस ने इस पूरे इलाके में अब सघन जांच अभियान भी शुरू कर दिया है। यह आपको यह भी बताएं कि दरअसल जो बिहार के सीमांचल के इलाके हैं इसमें जो बिहार के तीन प्रमुख जिले हैं किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, इन तीनों जिलों की सीमाएं पड़ोसी बताएं कि जो बिहार के सीमाई जो सीमांचल के इलाके हैं इसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीन ऐसे जिले हैं जिसकी सीमाएं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती हैं और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलती है और न केवल बांग्लादेश से मिलते हैं बल्कि पश्चिम बंगाल के तो पूर्वी हिस्से के कई जिले सीधे सीधे सबसे लंबे स्तर पर बांग्लादेश के साथ जुड़ते हैं। और इतना ही नहीं, इस पूरे इलाके का एक बड़ा जल क्षेत्र भी बांग्लादेश के जल क्षेत्र से मिलता है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश की मौजूदा अराजक स्थिति है उसमें यह आशंका जताई जा रही है कि संभव है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग पलायन करें और वे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं और अवैध रूप से प्रवेश करने वाले ये लोग बाद में सुरक्षित पनाहगाह तलाशने के लिए बिहार की ओर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल से होते हुए अगर बिहार में इन बांग्लादेशियों का घुसपैठ होती है तो उस स्थिति में तमाम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और ऐसी किसी भी अराजक स्थिति से राज्य को बचाने के लिए बिहार पुलिस ने अपनी मोर्चेबंदी कर ली है और इसी को लेकर के बिहार पुलिस की ओर से यह विशेष निर्देश जारी किया गया है जिसमें जहाँ सीमाई इलाकों में जो तमाम जाँच अभियान है उसे लेकर के सघन जाँच अभियान भी चलाया गया है। साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया कि बिहार पुलिस की ओर से एक विशेष निर्देश जारी किया गया है जिसमें लोगों से खास अपील की गई है कि अगर आप सीमाई इलाकों में या पूरे के पूरे बिहार में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा संदिग्ध देखते हैं जिसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, संदिग्ध वस्तु हो, तो उसकी तत्काल जो जानकारी है वह स्थानीय स्तर पर आप पुलिस को दे सकते हैं। इतना नहीं, जिले के पुलिस अधीक्षक को देख सकते हैं, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर जो डायल 112 है उस पर भी दे सकते हैं और इसके अतिरिक्त जैसा हमने आपको बताया कि एक विशेष नंबर भी जारी किया गया है, यह 14432 है और इस पर भी किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है ताकि बांग्लादेश में जो अराजक स्थिति है उसका किसी भी प्रकार से कोई असर बिहार में ना पड़े और बिहार में किसी प्रकार के अवैध घुसपैठ ना हो, बिहार में कोई अवैध तरीके से शरण ना ले ले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। जैसा हम सब ने देखा है कि बड़े स्तर पर जो बांग्लादेश में हिंसा हुई है उसके बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वह वहां से भाग करके भारत आ चुकी है, मौजूदा समय में वह दिल्ली में हैं और इसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश की स्थिति है उसे लेकर के भारत में भी बड़े स्तर पर जो तमाम केंद्र सरकार है उनकी ओर से आज ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिहार देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर वह आज संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात भी रखेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब बिहार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और बांग्लादेश की स्थिति पर विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए बिहार में जो बिहार पुलिस है उसने ये विशेष इंतजाम किए हैं और देखना होगा आगे क्या चीजें होंगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।